खबर जम्मू से, जहां नगरोटा के बनगांव इलाके में पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह के बंगले का निर्माण करवाया गया है। जम्मू विकास प्राधिकरण ने इस घर को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह बंगला सैन्य क्षेत्र के एकदम नजदीक है। वहीं डॉक्टर निर्मल सिंह ने दावा किया था कि उनके घर को लेकर राजनीतिक साजिश के तहत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं परिवार के साथ लुधियाना शादी के लिए आया हूं। अभी वहां से सर्वेंट ने कहा कि कोई नोटिस जेडी की तरफ से आया है, जिसमें हमारा जो घर है नगरोटा में वन गांव में, उसके बारे में कुछ कहा गया है। ये मेरे ध्यान में नहीं है कि उसका कंटेंट क्या है। मैंने अपने वकील साहब को कहा है कि वो इसको जो है क्या करना है उसके लिए वो पूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सभी की जानकारी के लिए मैं लाना चाहता हूँ कि इस प्रकार का केस जो है वो हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ऑलरेडी है। वहां हम अपने हक के लिए अपनी बात हम कर रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गया है मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन अभी तक, और ये घर जो बनाए हुए मुझे लगता है कि 4 साल से लगभग हो गया है, जब मेरा स्ट्रक्चर बन गया तब जो है सारी चीजें, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ये पहला नोटिस है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो सरकार कार्रवाई करना चाहती है वो कर सकती है। मैं भी कानून के दायरे में आता हूँ, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू के इर्द गिर्द जेडीए की जो ये जो एक्सटेंशन हुई है, और ऑलरेडी जो जेडीए के बीच में, उसमें कई प्रकार की अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जिनकी आए दिन चर्चा लोकल मीडिया में होता है, लेकिन नेशनल न्यूज शायद ही वो बनती है। मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार उस तरफ भी नजर देगी, और कानून के दायरे में जो भी आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा होगा, और बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं कि फॉरेस्ट लैंड पर किसी का घर है, किसी पर जो है अनऑथराइज, अच्छा जेडीए की लैंड को कब्जा किया हुआ है। ये घर है मेरी अपनी जो जमीन है, मैं 2014 में खरीदी थी, और उसके बाद लगातार जो है वहां पर जो है घर में बना रहा था। तो ये मैं सभी के सामने रिक्वेस्ट करना चाहता था। मैं परिवार के साथ लुधियाना शादी के लिए आया हूँ। अभी वहां से सर्वेंट ने कहा कि कोई नोटिस जेडीए की तरफ से आया है, जिसमें हमारा जो घर है नगरोटा में वन गांव में, उसके बारे में कुछ कहा गया है। ये मेरे ध्यान में नहीं है कि उसका कंटेंट क्या है। मैंने अपने वकील साहब को कहा है कि वो इसको जो है क्या करना है उसके लिए वो पूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सभी की जानकारी के लिए मैं लाना चाहता हूँ कि इस प्रकार का केस जो है वो हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ऑलरेडी है। वहां हम अपने हक के लिए अपनी बात हम कर रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गया है मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन अभी तक, और ये घर जो बनाए हुए मुझे लगता है कि 4 साल से लगभग हो गया है, जब मेरा स्ट्रक्चर बन गया तब जो है सारी चीजें, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ये पहला नोटिस है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो सरकार कार्रवाई करना चाहती है वो कर सकती है। मैं भी कानून के दायरे में आता हूँ, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू के इर्द गिर्द जेडीए की जो ये जो एक्सटेंशन हुई है, और ऑलरेडी जो जेडीए के बीच में, उसमें कई प्रकार की अनऑथराइज कॉलोनीज हैं।